हेलो एवरीवन। तो आज कोई केक नहीं है, आज हम बताएंगे चॉकलेट सिगार कैसे बनाते हैं। तो ये हम दो एक वाइट और डार्क चॉकलेट कंपाउंड ले लिया, मोडे का है अपने का, मोडे का चॉकलेट का है। तो मोडे का चॉकलेट गर्निश निकालने के लिए सही रहता है। तो ये हम मोडे का चॉकलेट ले लिया डार्क। अब इसको हम पीस पीस से काट लेंगे, क्योंकि जितना छोटा पीस होगा उतना अच्छा अपने को मेल्ट करने में इजी होगा। तो अब देख लो, मैं इसको इस तरह से काट लिया, तो ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा माइक्रोवेव में, जलने का कोई डर नहीं रहेगा। इसलिए हम इसको भी उस तरह के सेम चॉकलेट की जैसे हम इसको भी काट लेंगे छोटा छोटा पीस करके। तो ये जल्दी हमको माइक्रोवेव में मेल्ट हो जाने में इजी होगा। तो सिगार में आप खुद घर पे बना सकते हो। इसमें ज़्यादातर टेबल का और चॉकलेट मेल करने का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि टेबल नॉर्मल होना चाहिए, ज़्यादा ठंडी भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मल टेम्परेचर में इसको सिगार निकालेंगे। तो इस तरह से हम इसको टेबल में डाल देंगे लंबे करके, फिर इसको ऊपर से अपना जो केक का आइसिंग पट्टी है उसमें तीन तरह का वो रहता है, लाइनिंग रहता है। तो आप जो भी यूज़ करते, बड़ा, मीडियम और छोटा। तो हम इसको बड़ा यूज़ करूँगा। तो अब देख लो, मैं बड़ा यूज़ करके इसको लाइनिंग कर लेता हूँ पूरा एकदम एक चांस में इसका लाइनिंग करना, क्योंकि दो तीन बार करोगे तो इसका लाइनिंग है ना थोड़ा इधर उधर होगा, तो सिगार का फिनिशिंग बिगड़ सकता है। तो एक चांस में इसको निकाल लेना पूरा, फिर साइड से मैं सिगार ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैं साइड से छोटा कर लिया हूँ। अगर आपको नहीं बड़ा रखना है तो बड़ा रख सकते हो। तो फिर ऊपर से हम डार्क चॉकलेट डाल देंगे। तो ध्यान रखना चॉकलेट में दाना नहीं रहना चाहिए, चॉकलेट बढ़िया से मेल्ट होना चाहिए, नहीं तो नीचे जो अपना चॉकलेट डाला हूँ वो घिसने से वजह से उसका जो फिनिशिंग है वो निकल जाएगा, लाइनिंग से वो पिघल जाएगा, तो उसका फिनिशिंग बिगड़ जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, अब इसको हम निकालेंगे। तो टेबल का ज़्यादातर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि टेबल नॉर्मल होगा तो ही सिगार निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो एकदम परफेक्ट तरीके से हम सिगार निकल रहे हैं, ये अपना एक भी फेल नहीं होगा, क्योंकि अपना टेबल है परफेक्ट है, ठंडी है, इसका कूलिंग बराबर है टेबल का। तो इस तरह से इसका सिगार निकाल रहा हूँ। सिगार निकालना बहुत ही ईजी है, इसका मेन चीज़ यही है टेबल का और चॉकलेट पिघलने का। चॉकलेट ज़्यादा पिघल गर्म हो जाएगा तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि पिघलने नीचे का पिघलने का डर ज़्यादा रहेगा। तो एकदम नॉर्मल तरीके से इसको पिघलने का मेल्ट करना पड़ता है और टेबल का ध्यान रखना पड़ता है। अगर टेबल आपका ज़्यादा ठंडा हो जाए तो उसको गर्म पानी से बार बार उसके ऊपर कपड़े से उसको गर्म कर सकते हो, तो थोड़ा बहुत गर्म हो जाएगा। अगर आपका टेबल गर्म है तो थोड़ा बर्फ लेके उसके ऊपर उसको टेबल को भी तो ठंडा कर सकते हो। तो ये कोई बहुत तरह का तरीका है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हमारा टेबल एकदम परफेक्ट है, इसलिए अपना सिगार एकदम परफेक्ट तरीके से निकल रहा है। तो आप भी इस तरह से घर पे निकाल सकते हैं इसको। तो हम उसमें उस सिगार में दो तरीके से सिगार में दिखाया था। तो पहले तरीके सिगार अपना निकल गया, अब दूसरे तरीके सिगार से उसी तरह से हम उसमें क्या नीचे व्हाइट डाला था, अब इसमें हम नीचे चॉकलेट डाला था डार्क चॉकलेट। तो सेम उसी तरह से हम नीचे डार्क चॉकलेट डाल दिया, ऊपर से व्हाइट डाल देंगे, तो इसका भी परफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि अपना टेबल जो है एकदम परफेक्ट कूलिंग दे रहा है। तो सिगार का जो पतला ही रखने का तो सिगार अच्छा निकलेगा, नहीं तो ज़्यादा मोटा रहोगे तो फोल्ड के टाइम वो फटने का डर रह जाएगा। तो इसलिए अपने पतला ही रखना है, सिर्फ लाइनिंग को ढकना होता है, जो अपने पहला लाइनिंग दिया था उस लाइनिंग को सिर्फ ढकना है, तो अपना सिगार एकदम परफेक्ट तरीके से निकल जाएगा। तो हम देख रहे हो एकदम पतला ही मैं ऊपर से डाला हूँ, लाइनिंग अपना दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके से आपको भी करना है, तो आप भी घर पे निकल सकते हैं इसको। तो एकदम परफेक्ट तरीके से ये अपना सिगार निकल रहा है। तो ये बहुत ही ईजी है, इसमें
कुछ झंझट नहीं है, जो ये नहीं होगा वो नहीं होगा। मेन चीज़ है अपने को सिर्फ दो ही चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो टेबल का और एक तो चॉकलेट पिघलने का, मेल्ट करने का। तो ये अपना एकदम परफेक्ट तरीके से निकल रहा है। तो वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम में मेरे को मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप उसमें मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।